दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो ही इसको लाइक करना, या फिर पसंद ना भी आती हो तो डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन मैं जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसको आप भी एक बार चेक करना। चेक करने के बाद वीडियो पे वापस आना, उसके बाद आपको लाइक हो या फिर डिसलाइक हो या फिर कुछ कमेंट ही अगर आपको करनी हो तो नीचे आप वो कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके बातों को आप एकदम आंख बंद करके यकीन मत करना। देखो अभी कुछ दिन पहले मारुति एस्प्रेसो का क्रैश टेस्ट हुआ था जो अफ्रीका में बेची जाती है। उस कार में आपको ड्यूएल एयर बैग और सीट बेल्ट पैटर्न होना स्टैंडर्ड मिलता है, जिसकी वजह से उसको क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए 2 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है। और मैंने आप लोगों को बताया है ये क्रैश टेस्ट रेटिंग इंडियन मॉडल के लिए भी एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो ये मानने को राजी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक कॉन्टेंट चला जाएगा। वो लोग ये समझते हैं कि एस्प्रेसो 0 स्टार रेटेड है। अगर हम लोग इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग को, जो नया क्रैश टेस्ट रेटिंग आया है इसको अगर हम लोग अपने वीडियो में बता दें तो हम लोगों के पास कंटेंट की कमी हो जाएगी, फिर हम इस कार को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो लोग सच्चाई को आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, कई बार बड़े बड़े यूट्यूबर्स गलत साबित होते हैं और कई बार छोटे छोटे यूट्यूबर्स सही साबित होते हैं। तो मैं आपको जितने भी प्रूफ दिखाऊंगा उन सभी प्रूफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। अगर गलती से मैं डिस्क्रिप्शन में अगर वो ना भी दे पाऊँ तो आप लोग इजीली गूगल करके वो सब कुछ देख सकते हो। देखने के बाद आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर लाइक डिसलाइक आप कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सबूत दे देता हूँ। तो पहली बार मारुति एस्प्रेसो का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप में हुआ था और तब इसको 0 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई थी, क्योंकि इस कार में आपको सिर्फ सिंगल एयर बैग मिलता था, सीट बेल्ट पैटर्न सोनर्स नहीं मिलता था और ड्राइवर साइड में भी आपको एयर बैग नहीं मिलता था। ऑप्शनल अगर आप लोग परचेस करते थे तो वहाँ पर ड्यूएल एयर बैग का सपोर्ट मिलता था। इसके अलावा ABS का सपोर्ट मिलता था, जिसके वजह से मारुति एस्प्रेसो को क्रैश टेस्ट में 0 स्टार की रेटिंग मिली हुई थी। और ये आप ग्लोबल एनकैप के वेबसाइट में जाकर सेफर कार मिशन फॉर इंडिया के जो हैशटैग है वहाँ पर आप लोग जाना, उसके बाद आपको PDF में मारुति एस्प्रेसो जो इंडियन मॉडल है उसकी क्रैश टेस्ट हुई थी उसकी PDF आपको मिल जाएगी। PDF में आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर से चेकआउट कर सकते हो। तो ये पुराने मॉडल की क्रैश टेस्ट हुई थी। अब जो नई मॉडल है उस नए मॉडल की क्रैश टेस्ट अभी हाल फिलहाल में ही हुई है और इस सीट को भी आप लोग देख सकते हो। आपको ड्यूएल एयर बैग और सीट बेल्ट पैटर्न होना स्टैंडर्ड मिलता है मारुति एस्प्रेसो के हर किसी वेरिएंट में, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक। और इसके साथ साथ आपको ABS भी मिल जाता है स्टैंडर्ड। और ये ऐड हो जाने के बाद मारुति एस्प्रेसो को 3 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए और 2 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए मिला है। तो साइड बाय साइड मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, पुरानी वाली मॉडल को 0 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली थी, जबकि नई वाली मॉडल में आपको 3 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग देखने को मिलती है। अब मारुति ने अपडेटेड एस्प्रेसो को लॉन्च कर दिया है और सरकार भी ड्यूएल एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है। तो मारुति एस्प्रेसो जो अपडेटेड मॉडल लॉन्च हुई है इसमें आपको स्टैंडर्ड मॉडल से ही आपको ड्यूएल एयरबैग सीट बेल्ट पैटर्न होना स्टैंडर्ड मिलता है। आपको अलग से कोई भी पैसे एक्स्ट्रा ऐड करके ऑप्शनल मॉडल परचेस नहीं करनी पड़ती, आपको एकदम स्टैंडर्ड मिलता है। और इसकी जो सबूत है वो मैं आपको देता हूँ। अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, MSIL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग जा सकते हो। आप लोग मारुति एस्प्रेसो कार को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आ सकते हो। आप लोग चाहे तो ब्रोशर में भी ये देख सकते हो। इसके अलावा थोड़ी स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आना, नीचे आने के बाद आप लोग मारुति एस्प्रेसो की मॉडल को सिलेक्ट करना, स्टैंडर्ड मॉडल को। स्टैंडर्ड मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पहली वाली ऑप्शन को छोड़ के दूसरी वाली ऑप्शन में आना और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो इसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोग देख ही सकते हो इस कार में स्टैंडर्ड मॉडल से ही आपको ड्यूएल एयर बैग और सीट बेल्ट पैटर्न सोनर स्टैंडर्ड मिलता है मारुति एस्प्रेसो में। इसीलिए मारुति एस्प्रेसो का जो हाल फिलहाल में क्रैश टेस्ट हुआ था
जिस पर उसे 3 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई थी वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता है इंडियन बाली मारुति एस्पेसो मॉडल में भी, क्योंकि आपको बेस मॉडल स्टैंडर्ड से ही स्टैंडर्ड मिलता है ड्यूल एयरबैग और सीट बेल्ट पिटेंशनर्स, जिसके वजह से मारुति एस्पेसो को क्रैश टेस्ट में 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई थी। तो इसी कारण के वजह से जुलाई मंथ में इस कार को अच्छी खासी सेल्स मिली हुई है। आप लोग देख ही सकते हो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल सेल्स हुई है मारुति एस्प्रेसो की। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस को देखकर उसको आंख बंद करके विश्वास मत कर लो। लोग इतना ज़्यादा पागल नहीं है, आप लोग सेल्स चार्ट को देख ही सकते हो। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा, प्लीज़ आप लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। आपके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सबूत दे दिया है, मारुति एस्प्रेसो जो इंडियन मॉडल है वो भी 3 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड है। तो इसका जो सबूत है या फिर जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चेकआउट करना। फिर आकर आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, आप अपना कोई भी कमेंट नीचे शेयर कर सकते हो आपको क्या लगता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सबूत दे दिया है इंडियन बाली मॉडल भी अब 3 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है और किसी भी एंट्री लेवल कार में आपको 3 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग देखने को नहीं मिलती। हो सकता है 0 स्टार या फिर 1 स्टार मैक्सिमम मिलता है एंट्री लेवल में, जैसे कि ऑल्टो को मिला था या फिर रेनॉल्ट क्विड को मिला था। पहले उसको 0 स्टार मिली थी, बाद में उसको 1 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई थी। तो दोस्तों ये था वीडियो और ये था हकीकत। आप लोग लाइक डिसलाइक या फिर कमेंट जो भी हो कर सकते हो, मैं कुछ भी आपको नहीं कहूंगा करने को। बाय बाय।